अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। पहलगाम से चर्चा करेंगे कि पहलगाम बेस कैंप पहुंचने के बाद से हमें क्या करना चाहिए। पहलगाम पहुंचे आप, देखने वहां ठहरने की पूरी व्यवस्था है, टेंट वगैरह लगे हुए हैं, सरकारी रेट सबका है, आप टेंट में रह सकते हैं। साथ ही साथ भंडारा वाले भी व्यवस्था रखते हैं, लेकिन उनकी व्यवस्था लिमिटेड है, लेकिन जगह होगी तो आपको ज़रूर रख लेंगे। भंडारा में आप खाएँ, वहीं पर रहें, बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगले सुबह आप बस पकड़ें, बस से चले जाएँ चंदनबाड़ी, छोटी छोटी बसें जाती हैं चंदनबाड़ी से। चंदनबाड़ी में भी भंडारों का बहुत वहाँ आयोजन होता है, वहाँ भी आप रुक सकते हैं। लेकिन यात्रा मार्ग में कम से कम रुकें, धीरे 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 चलें, बहुत ज़्यादा बेचैन होने राजू जी। अब सवाल ये उठता है कि जब पहलगाम से हमारा यात्रा शुरू होगा तो उसके बाद ये समस्या ये आ जाता है कि जो लोग जाते हैं, कश्मीर जा रहे हैं, बाबा का दर्शन करने जा रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा घूमने फिरना भी होगा, तो उनके पास कुछ बैगेज वगैरह की व्यवस्था कुछ ज़्यादा हो जाती है, तो इसकी क्या व्यवस्था है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी सुनने में आया कि ये पहलगाम के रास्ते जाएंगे और बालटाल के रास्ते उतरेंगे, तो ये तो एक लंबा एरिया हो जाएगा। फिर सामान जो अगर बैग, अगर मान लीजिए कि हम लेके गए हुए हैं, ये बैग हमारे साथ वहाँ गुफा तक जा सकता है, क्या व्यवस्था है? रजिस्टर्ड पिट्ठू है जिनका आई कार्ड है, आई कार्ड देख लें आप, फोटो खींच के आई कार्ड का रख लें, या आई कार्ड अगर देता है वो भी रख लें। रजिस्टर्ड पिट्ठू और रजिस्टर्ड घोड़ा वाले हैं, ज़्यादा सामान ग्रुप का है, घोड़ा पर बांध देगा, वो आपके साथ साथ रहेगा, आगे पीछे भी रह सकता है, क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन आपके पास है तो भाग नहीं सकता है वो। तो सामान की व्यवस्था ये है कि वो जहाँ आप ठहरेंगे, जैसे आप बताएंगे कि शेषनाग तक चलो, तो शेषनाग में जाके वो बाहरी क्षेत्र में आपका वेट करेगा, आपके साथ रहेगा। फिर शेषनाग में आप जाएंगे, रात्रि विश्राम करेंगे, वहाँ भी भंडारा है, पानी, आपको प्यास लगेगी, एक एक घूंट पानी पियेंगे, ज़्यादा पानी पियेंगे पेट भारी हो जाएगा, पहाड़ पर चलने में आपको दिक्कत होगी, प्यास लगेगी। अच्छा, एक घुट पानी पियेंगे, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स भी जरूर रहना चाहिए, थोड़ा सा खाने के लिए, और इलायची लौंग भी रखें। कुछ लोग कपूर भी रखते हैं, लेकिन कपूर की बहुत आवश्यकता नहीं है, आप चाहें तो। क्या मतलब है इसका? कपूर रखने का तात्पर्य यह है, कहीं कहीं पर जहाँ बहुत खड़ी चढ़ाई है, महागणेश टॉप एक जगह है, वहाँ एक पिसू टॉप है, तो वहाँ पर थोड़ी सी आपको परेशानी हो सकती है, तो वहाँ पर आप कपूर ले सकते हैं। कपूर लेने से ये आपका पूरा क्लियर कर देगा, और उसमें तो रुमाल में लपेट के आप उसको रख सकते हैं। फिर आप शेषनाग से जब आगे बढ़ेंगे, अगले सुबह आप पचतरणी तक जाएंगे, अगर आप चलने की स्थिति में हो। आपको ये बताइए कि ये जो सामान, पहले हम लोग सामान का जिक्र कर लें कि वो घोड़ा आपने बताया, फिर पिट्ठू बताया, तो इसका क्या रेट? मान लीजिए दो साल पहले तो यात्रा ही नहीं हुआ है, दो साल पहले का क्या रेट था? देखिए, दो साल पहले का कोई रेट नहीं था, वहाँ पर अगर भीड़ ज़्यादा है तो रेट बढ़ जाएगा, भीड़ कम है रेट कम हो जाएगा। जनरल मतलब कि एक रेट क्या? जनरल आपको 1000 से 1500 घोड़ा वाला लेगा, आपको इतना लेगा, और इतना ही पिट्ठू भी लेगा, इतना ही। हाँ, गुफा तक जाएगा, नहीं गुफा में छोड़ देगा आपको, गुफा से अगर आपको बालटाल जाना है तो उस रूट का दूसरा आपको लेना होगा, वहाँ आपको ड्रॉप कर देगा कि आप मेरा यहाँ तक है, दूसरा लेना होगा। बहुत जो घूमने वाले लोग हैं, तो पहले हम लोग शेषनाग पहुँचे, शेषनाग से पहुँच गए पंचतरणी, पंचतरणी में अगर आप चलने लायक हैं, चल सकते हैं, क्योंकि हेलीपैड पंचतरणी में ही है, वहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी है। अबे हम लोग पहलगाँव से चंदनबाड़ी, वहाँ तक तो गाड़ी जाती है, 18 किलोमीटर का शायद वो एरिया गाड़ी से आप तय कर लेते हैं, तो
तो वहां से हमें कहां पहला पड़ाव कहां रुकना चाहिए? शेषनाग, पहला पड़ाव चंदनबाड़ी से आप चलेंगे, शेषनाग में ही आपका रुकना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वहाँ कितना वक्त लगता है चंदनबाड़ी से शेषनाग तक? अगर नॉर्मली आपके जैसे हमारे जैसे लोग अगर चलते हैं नॉर्मल तरीके से, कितना वक्त लगता है? घंटा? तेज चलने वाले हैं तो 6 घंटा, हम लोग ऐसे आदमी को 8 घंटा। 8 घंटा में आप पहुँच जाएंगे, 8 घंटा में आप पहुँच जाएंगे शेषनाग। शेषनाग में रहें, वहाँ पर भोजन वगैरह ग्रहण करें, रात का विश्राम वहीं पर करें, फिर अगले सुबह जितना सुबह निकल सकते हैं निवृत्त होके, वहाँ उसकी भी व्यवस्था है, निवृत्त होके आप निकलें, आप पहुँच जाएँ पंचतरणी। ये किधर शेषनाग से कितना दूर पड़ता है? लगभग 12-14 किलोमीटर पड़ेगा पंचतरणी। पंचतरणी पहुँचेंगे आप तो पंचतरणी में आप रुक भी सकते हैं, या अगर आप कुछ आपका आप सक्षम है जाने सक्षम है तो 6 किलोमीटर आपको आगे जाना होगा गुफा के लिए, गुफा तक। तो अब ये आपके ऊपर है, गुफा में पहुँचे वहाँ दर्शन करें, वहाँ रात अगर मान लीजिए कि हम पंचतरणी में रुक जाते हैं और अगले सुबह हम इस 6 किलोमीटर को हम पार कि सुबह सुबह दर्शन करेंगे बाबा का, तो ये संभव है? संभव है, बिल्कुल संभव है। अहले सुबह आप पंचतरणी से निकल के बाबा का दर्शन करके अगर आप चाहें तो वापस पंचतरणी आ सकते हैं, या आप वापस बालटाल जा सकते हैं। बालटाल उसी दिन हम उतर भी नीचे नीचे आप आराम से नीचे। ये भी कहा जाता है बहुत से लोगों बहुत से चैनल यूट्यूब चैनलों पे हमने देखा है कि कहते हैं कि अगर सुबह में दर्शन कर लिया तो बहुत सारे लोग वहाँ रुक जाते हैं कि नहीं आज रुकेंगे बाबा के दरबार में, क्या ये संभव है? अमूमन लोग शाम में जो लोग पहुँचते हैं तो वो लोग रुकते हैं, या लोग बहुत लोग जो शाम में पहुँचे लौट चले आते हैं पंचतरणी, लौटते नहीं है, वहीं रुक जाते हैं, सुबह में पुनः दर्शन करके ही लोग वापस होते हैं। तो हमको ऐसा उम्मीद है और विश्वास भी है कि आप शाम में ही पहुँचेंगे बाबा के यहाँ पहुँचेंगे, या दिन में जब भी पहुँचे रात्रि विश्राम करें वहाँ पर, सुबह सुबह दर्शन करें, दो दर्शन करें, उसके बाद आपको जहाँ जाने की इच्छा हो वहाँ जाएं। एक चीज़ और है, प्रसाद खरीदने की जो बात है, श्राइन बोर्ड का वहाँ प्रसाद मिलता है, अमरनाथ श्राइन बोर्ड का रजिस्टर्ड प्रसाद है, वही खरीदें। बहुत तरह के लोग आपको फूल माला देने का प्रयास करेंगे, वहाँ न लें, और गुफा के नज़दीक जितना नज़दीक जा सकते हैं वहाँ जाकर ही चप्पल खोलें। आपको 3 किलोमीटर पहले से लोग मिलेंगे कि आप यहाँ सामान रख दें, ये सुरक्षित है, लौट कर आवें, लेकिन एक सीढ़ी चढ़ने के थोड़ा सा पहले तक ये लोग मिलेंगे, तो भरसक प्रयास कीजिए कि आप जाके सामान वहीं पर रखें, अंतिम वहीं पर, वहाँ सामान वगैरह आपको जो कैमरा होगा सब वहाँ रख दिया जाएगा, मोबाइल वगैरह जूता चप्पल नहीं जा पाएगा, जूता चप्पल क्या बाबा का फोटो वगैरह हम नहीं ले पाएंगे, नहीं ले सकते हैं। अब आप स्पेशली जब आपके पास प्रेस का आई कार्ड होगा आप रिक्वेस्ट करेंगे अगर वहाँ जो लोग सिक्योरिटी में हैं कि हम प्रेस से हैं, तो कहीं अगर दे देवे ऑर्डर तो अलग बात है, लेकिन प्रेस वालों को ऑर्डर मिल जाता है, हमने देखा है कवर करते हुए, तो वो आप कर सकते हैं, सारा सामान वहाँ पर रखें, दर्शन करके आएँ। बहुत लोग ठहरने की व्यवस्था भी करते हैं, उचित व्यवस्था देख लें, वहीं पर ठहरें। बहुत जगह आप देखेंगे कि लोगों ने बर्फ़ को काट के रबड़ लगा दिया है, तो जहाँ आपको उचित व्यवस्था लगे पूछ कर के, रजाई है कि नहीं, कांगड़ी है कि नहीं, तुम्हारे पास क्या व्यवस्था है, ये सब पूछ के, क्योंकि रात में ठंड कुछ ज़्यादा वहाँ पड़ेगी गुफा के पास। हाँ, गुफा के पास। फिर वहाँ पर सैकड़ों टेंट लगा हुआ है, टेंट में निगोशिएट करना, हर चीज़ वहाँ निगोशिएबल है, रेट कुछ बताएगा, निगोशिएट करेंगे आप तो वो कुछ और हो जाएगा, वहाँ मेरे ग्रुप है, एक टेंट दे दो हमको, हम लोग एडजस्ट कर जाएंगे, तो वो आप कर ले, निगोशिएट हर जगह के। क्या रेट मांगता है सब? मैक्सिमम 1000 रुपये प्रति टेंट होना चाहिए, 4-5-8 लोग आप आराम से उस पर सो सकते हैं। ज़्यादा हो गई तो फिर उसका रेट थोड़ा सा बढ़ा, आगे पीछे हो सकता है। और आजकल ये देखा जा रहा है कि अभी केदारनाथ में हम लोगों ने देखा कि 2 साल यात्रा बंद होने के बाद काफ़ी भीड़ थी। सबसे बड़ी वजह है यही भीड़ बाबा धाम में भी होने की संभावना है। बिहार सरकार, झारखंड सरकार यहाँ भी काफ़ी चैतन्य है, क्योंकि 2 साल बाद खुला है, भीड़ होगी, तो ऐसी स्थिति में खैर मुझ चूँकि पहाड़ की यात्रा है, कम लोग ये भीड़ वहाँ पर नहीं होती है, हो सकता है कि आप फिर भी अनुमान से ज़्यादा भीड़ हो सकता है, जिस दिन आप जाएं भीड़ कम हो सकता है कि भीड़ ज़्यादा हो, लेकिन हर चीज़ वहाँ निगोशिएबल है, और भंडारा में ही ठहरें,
टेंट में ही जो बनाया गया है टेंट, एक सुरक्षा दायरे के अंदर उसमें ठहरें, सुरक्षित रहें, किसी लावारिस चीज को, संदेहास्पद चीज को देखकर। ये तो बाबा का जब हम वहाँ पहुँचते हैं और ठंड आप बर्फ का वहाँ ये है, तो बिना हिंदू धर्म में ये कहा गया है कि भाई बिना नहाए धोए हम देवी देवता का पूजा भी नहीं करते हैं, तो यहाँ नहाने वगैरह की क्या? देखिए, नहाने की गर्म पानी की व्यवस्था है, मिल जाती है, लेकिन एक बात आपको और बता दें कि हम लोगों के यहाँ नहाने की प्रक्रिया है, लेकिन मन शुद्ध हो अगर तो तन शुद्ध है, मन शुद्ध है तो तन शुद्ध है, वहाँ नहाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन लोग आस्थावान लोग जो नहाते हैं तो गर्म पानी आपको वहाँ पर 20 से लेकर 50 रुपये प्रति बाल्टी पूरा गर्म पानी मिल जाएगा, 2-3 आदमी आराम से नहा सकते हैं। नहाने की भी व्यवस्था वहाँ पर है, जो लोग गर्म पानी बेचते हैं वो लोग घेर के, औरतों के नहाने की व्यवस्था, पुरुषों के नहाने की व्यवस्था, नहा कर तुरंत कपड़ा बदलें, गर्म कपड़ा पहन लें, इनर जरूर हो, चलने जब पैदल चलेंगे गर्मी होगी, जैकेट वगैरह पिट्ठू को देने का काम नहीं है, थोड़ा सा कंधा पर लेकर नहीं चलें, क्योंकि पहाड़ का मौसम कब कहाँ बदलेगा। हाँ, और पिट्ठू को सुनिश्चित करें कि तुम साथ में चलो, ताकि अगर इसमें एक चीज़ और बताइए कि इसमें मोबाइल वगैरह की क्या सुविधा है, कि आप जैसे पिट्ठू है, पिट्ठू को हमने सामान दे दिया, क्या उसके पास मोबाइल होता है, क्या हमारे पास मोबाइल रहेगा, वो काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? वहाँ केवल BSNL काम करेगा। अभी तो हमने सुना है कि एयरटेल भी अगर पोस्टपेड है तो वो काम कर, पोस्टपेड वही हम बता रहे हैं, जो पोस्टपेड है वही वहाँ पर काम करेगा। इसके अलावा यात्रा पीरियड के लिए, यात्रा अवधि के लिए भी कंपनियों ने वहाँ पर सिम की व्यवस्था की है, लेकिन अगर आपके पास पोस्टपेड है तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो वहाँ जाके आप तुरंत हैंड टू हैंड आधार जरूर ले जाएं, पहचान पत्र सारे लोग जितने यात्री हों जरूर रखें, वहाँ ले जाएं पहचान पत्र अपना और आधार रहे, ये जरूर होना चाहिए। चलिए, आपने देखा कि बड़ी अच्छी चर्चा हो रही है कि कैसे हम बाबा अमरनाथ के दर्शन करें, और चंदनवाड़ी से लेकर के पूरे वहाँ गुफा तक की चर्चा हमने कर ली है, लेकिन अब और राजू जी ने बड़े अच्छे तरीके से बारीकी के साथ बताया है, और हमें लगता है कि जो भी बाबा के भक्त जो अमरनाथ जाना चाहते हैं, अगर इन सारी वीडियो को अंत तक देखते हैं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हें इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, और अगर आपको फ़ायदा मिल गया तो हमारी मेहनत भी साकार हो जाती है। हम अब बात करेंगे कि उसी बीच में बाबा अमरनाथ पहलगांव से लेकर के बाबा अमरनाथ के बीच में एक पिस्सू टॉप का जिक्र आता है, और कहा जाता है कि पिस्सू टॉप की चढ़ाई बड़ी दुर्गम चढ़ाई है। बंगाल के तर्ज पर सिवान में खुल गया है पहला एयर कंडीशनर मिठाई की शॉप, श्री साई स्वीट्स डब्लू मार्ट के बगल में सिसवन झाला सिवान। श्री साई स्वीट्स में मिलेंगे एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट मिठाई, साथ ही स्वादिष्ट चाट भी। आज ही चलें श्री साई स्वीट्स डब्लू मार्ट के बगल में सिसवन झाला सिवान। मोबाइल नंबर 8210201362। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। फर्निशिंग की दुनिया का बेताज बादशाह जैन फर्निशिंग, घर वही अंदाज नया। आपके घरों को सजाने के लिए जैन फर्निशिंग लाया है डिजाइनर पर्दा, बेडशीट, मैट, कालीन, कारपेट, कंबल, कंफर्टर, तौलिया, सोफा कवर, कुशन कवर, मैट्रेस, दोहर प्लानो, ब्लैंकेट, और तो और आर्टिफिशियल फ्लावर, फ्लावर पॉट एवं और भी बहुत कुछ। तो आज ही चले जैन फर्निशिंग, उमाशंकर सिंह पेट्रोल पंप के सामने, छपरा रोड सिवान। मोबाइल नंबर 0615435663। बड़े बड़े शहरों की तर्ज पर सिवान में भी आ गया इंटरनेशनल ब्रांड VLCC सलोन सिवान। मेन एंड विमेन, फर्स्ट फ्लोर द पॉपुलर कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल मोड सिवान,
ब्राइडल मेकअप, हेयर ट्रीटमेंट, ब्यूटी स्किन ट्रीटमेंट, सभी ब्रांडों से सबसे अलग सबसे अच्छा VLCC ब्रांड। कॉन्टैक्ट करें 9608146801, 9199874918, ईमेल sivansalon@vlccwellness.com। JNS पब्लिक स्कूल गोपालपुर श्यामपुर सीवान। एडमिशन ओपन क्लास नर्सरी टू क्लास 8, कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, साइंस लैब की विशेष व्यवस्था, को करिकुलर एक्टिविटीज ऑन एवरी सैटरडे, वेल ट्रेन्ड एंड क्वालिफाइड टीचर्स, बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज फॉर स्टूडेंट्स एंड स्टाफ। स्कूल इज अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ CCTV। प्रिंसिपल अभिषेक कुमार सिंह। मोबाइल 9934444040।